नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज के एक और नए सेट को। आज हम सॉल्व करेंगे जो कि एलआईसी असिस्टेंस मेंस 2019 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एलआईसी असिस्टेंस मेंस का एग्जाम है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, आज हम सेट टू को सॉल्व करेंगे। सेट वन पर पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, उससे भी बहुत ही ज्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने दूसरे सेट को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, मशहूर ऐतिहासिक या साहित्यिक शख्सियों के नक्शे कदम पर पुराने तस्वीर को नया रूप देना जीवन यात्रा के आनंद में शामिल होने जैसा अनुभव होता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, पुराने तस्वीर को नया रूप देना, इसको रिप्लेस करना है। आप किससे रिप्लेस करना है ध्यान दीजिएगा, वाक्य को भी देखना है, उसके अनुसार आपको रिप्लेस करना है। ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में से आप बोलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट। अब यहाँ ऑप्शन देखिएगा, चलकर देखना, नया चित्र बनाना, उनके व्यक्तित्व को खोजना, उपयुक्त सभी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा ना, चल कर देखना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। अब क्यों होगा देखिएगा, यहाँ देखिएगा, मशहूर ऐतिहासिक या साहित्यिक शख्सियों के नक्शे कदम पर चल कर देखना, मतलब उनके नक्शे कदम पर चल के देखना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, मानसून के विस्तार पर चिंता करने के बजाय हमें खुश होना चाहिए क्योंकि यह भारत के लिए एक अच्छी बात है कि मानसून देर तक रुकी। अब मानसून देर तक रुकी, इसका मतलब क्या होगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। मानसून देर तक रुकी, इसको रिप्लेस करना है। वर्षा बहुत अधिक है, वर्षा और आंधी एक साथ है, ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। मानसून देर तक रुका लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या स्त्रीलिंग नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, किसान को पानी की कमी नहीं, तो यह भी गलत होगा। अभी किसान का कोई बात नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा बहुत अधिक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप लोगों को पता चल गया होगा, मानसून देर तक रुकी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्षा बहुत अधिक है। आगे देखिएगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का पता लगाने और उसका थोड़ा भी इतिहास लिखने में बहुत कठिनाइयां है क्योंकि इसके लिए पत्तेवार सामग्री कहीं नहीं मिलता है। तो मिलती है यहाँ होना चाहिए था, अगर होता तो सही हो जाता। तो देखिए एक ही जगह मिलती है लिखा हुआ है, कहीं नहीं मिलती, ठीक है। तो यही केवल स्त्रीलिंग है, तो इसलिए सेंटेंस का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़ते वैश्विक ताप के कारण समुद्री ग्रीष्म लहरों एल नीनो प्रभाव और प्रचंड चक्रवातों जैसे अत्यधिक मौसमी तूफानी घटनाएं बढ़ रहा है। यहां भी मुझे लगता है कि गलत है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है जिसके खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है ना, आप लोग ऑप्शन बताइएगा मुझे सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन आप लोग देखिए, मैं फिर से बोल देता हूँ, जैसे अत्यधिक मौसमी तूफानी घटनाएं बढ़ रहा है, इसको रिप्लेस करना है। तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं बता देता हूं सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जैसे चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही है। ठीक है ना, तो मौसमी घटनाएं लगभग इस सेंटेंस को ये रिप्लेस करेगा, एक जैसे सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये स्त्रीलिंग होना चाहिए, बट यहाँ पे पुल्लिंग लिखा हुआ था तो ये तो रिप्लेस होगा। तो सभी जो सेंटेंस है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो सेंटेंस क्या था, जैसे अत्यधिक मौसमी घटनाएं बढ़ रहा है, और यहाँ जो बी में लिखा है, जैसे ही चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही है, तो ये दोनों लगभग सेम है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब जो आ गया क्लोज टेस्ट, आ गया क्लोज टेस्ट भी आपको 5 या 10 नंबर का पूछा जा सकता है एग्जाम में। मुझे लगता है कि अभी जो पूछा जाएगा, अभी के पैटर्न के हिसाब से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपने हिंदी में अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो ही आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में ज्यादा सोचना होगा। तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। तो जो भी मैं सेट आपको बताऊंगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, यहां पहले बनाना आप लोग को, उसके बाद फिर से सॉल्यूशन देखना है। देखिएगा,
समालोचक के लिए उन्हें देखिएगा, समालोचक के लिए उन्हें सहृदयता, और देख लीजिएगा क्या लिखा है, और विद्वानों दोनों के डैश अवश्य के बताया गया, दोनों डैश को अवश्य के बताया गया, दोनों के लिए दिया हुआ नहीं, दोनों के फायदे, दोनों के योग, दोनों के विस्तृत, दोनों की व्यापकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, दोनों। जब दोनों के बारे में बात किया जा रहा है तो दो का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दोनों के योग। आगे देखिएगा, क्योंकि 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 समालोचना लिखना भी कोई डैश काम नहीं है। तो यहां देखिएगा, मजबूरी, प्रतिभाशाली, प्रभुत्वशाली, साधारण। तो मुझे जहां तक लगता है ना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, और आप लोगों को पता चल गया होगा कोई साधारण काम नहीं है। आगे देखिएगा, वह मनुष्य समालोचना लिख सकता है जो ग्रंथ को भली भांति समझ सके और उसके विषय से अच्छी जानकारी और सहृदयता रखता हो। इस योग्यता और सहृदयता के अतिरिक्त समालोचक को मूल ग्रंथ का भली भांति अध्ययन तथा मनन करने में पर्याप्त समय देना पड़ेगा। अतः प्रकट है कि अच्छे विद्वान के सिवा कोई साधारण मनुष्य समालोचक नहीं हो सकता। आगे देखिएगा, गरज ये कि समालोचना के लिए डैश की शब्दावली में प्रतिभा, वित्तपति जो भी लिखा हुआ देख लीजिएगा, और अभ्यास की डैश है। तो यहां देखिएगा क्या होगा, समालोचना के लिए डैश की शब्दावली में प्रतिभा। तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं सही आंसर आप लोग को बता देता हूँ। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शास्त्र, ठीक है ना। यहां देखिएगा, सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा, समालोचना के लिए शास्त्र की शब्दावली में प्रतिभा, उत्पत्ति जो भी लिखा है, वित्तपत्ति जो भी लिखा हुआ है, और अभ्यास, तीनों की डैश है, तीनों की उपेक्षा है, हीनता है, अवहेलना है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां देखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, अपेक्षा है, तीनों की जरूरत है, ठीक है, अपेक्षा, बाकी सब एक जैसे, अपेक्षा कुछ अलग है, इसलिए अपेक्षा आप सोच सकते हैं क्यों लगेगा। आलोचक को जितना प्रतिभा सिद्ध होना चाहिए उतना ही उसकी आलोचना को डैश होना चाहिए। तो यहां पे सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे सही आंसर लगता है ऑप्शन नंबर सी, श्रम्य साध्य होना चाहिए, ठीक है ना, श्रम्य साध्य होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, आलोचक को जितना प्रतिभा सिद्ध होना चाहिए उतना ही आलोचना को श्रम्य साध्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो पांच क्वेश्चन हमने बना लिया क्लोज टेस्ट के, और कुछ क्वेश्चन हमने बना लिया किसके, फ्रेज रिप्लेसमेंट के। तो ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको, ये फिलर का क्वेश्चन है, ठीक है, डबल फिलर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। उत्पादक को विभिन्न साधनों के बीच ऐसा स्थापित करना होता है ताकि उसे डैश उत्पादन लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। तो यहां देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वक्र अधिकतम संयोग न्यूनतम, वक्र अपर्याप्त, नियम वितरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, उत्पादन को विभिन्न साधनों के बीच ऐसा संयोग हो सकता है, स्थापित करना होता है ताकि उसे न्यूनतम, मुझे तो लगता है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को क्या लग रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही दिया हुआ है, बीच ऐसा सहयोग स्थापित करना होता है ताकि उसे न्यूनतम उत्पादन पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा छोटा करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप लोग को पूरा नहीं दिखेगा तो आप लोग बना नहीं पाएंगे। देखिएगा, इसमें आपको सेंटेंस को अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, सेंटेंस को अरेंज करना है हम लोग को, तो सबसे पहला सेंटेंस कौन सा आएगा आपको बताना है। पहला सेंटेंस यहाँ पे देखिएगा, पहला सेंटेंस हो जाएगा ए, क्यों ए हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि विज्ञान के अनुरूप यदि बात करें कि एक कोशीय जीव से मानव की उत्पत्ति का इतिहास हमें ज्ञात है, ठीक है, तो ये लगता है कि पहला सेंटेंस होगा। बाकी सेंटेंस को देखेंगे तो ये प्रोनाउन है, ये कबीले के विकास से ही खानाबदोश है, अभी कबीला से पहले क्या होगा, एक कोशीय जीव आएगा, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समय के विकास के साथ आदिमानव तक स्थित है, तो उससे भी पहले ये सेंटेंस आना चाहिए, इसी का परिणाम अभी
कुछ रीजन नहीं हुआ तो परिणाम कैसे निकलेगा? यह समाज के लिए व्यथा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला सेंटेंस है वो ए होगा, ठीक है। तो ए पहला सेंटेंस होगा, उसके बाद ये पहला हो गया, उसके बाद आपसे पूछा गया तीसरा वाक्य क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा डी, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। डी जो है ना, मतलब बी वाला, सॉरी फिर से मुझे बताना होगा, ये पहला हो जाएगा, बी तीसरा हो जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा गया चौथा, चौथा क्या हो जाएगा, ए। चौथा जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए, मतलब एफ जो है वो फोर्थ वाला सेंटेंस है, एफ जो है यहाँ पे फोर्थ वाला सेंटेंस है। एक बार फिर उसके बाद पूछा गया पांचवा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, जो सी जो है वो पांचवा सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद अंतिम वाक्य पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई मतलब ई जो है अंतिम वाक्य है, मतलब यहाँ छह सेंटेंस दिए हैं, तो ई जो हो गया अंतिम हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं पूछा गया, तो एक हमें पता चल गया, दो नहीं पता चला, तो डी वाला हो जाएगा दो। अब हम पुट करके देखते हैं क्या होता है। विज्ञान के अनुरूप यदि हम बात करें तो एक कोशीय जीव से मानव की उत्पत्ति का इतिहास हमें ज्ञात है। समय के विकास के साथ आदि मानव तक की स्थिति तक हम पहुंचे, ठीक है। तीसरा देखिएगा, उसके बाद हमने कबीलाई जीवन की ओर रुख किया और सुरक्षा के भाव से कबीले में रहने लगे। उसके बाद चौथा सेंटेंस देखिएगा, यह समाज के लिए व्यथा के विकास का आदिम समय था, जब धीरे धीरे मुखिया जैसे अवधारणा सामने आने आ रही थी, ठीक है। उसके बाद चौथा सेंटेंस हो गया, कबीले के विकास के साथ साथ ही खानाबदोशी धीरे जीवन धीरे धीरे समय के साथ कम होता गया और वे अस्थाई रूप से एक जगह रहने लगे। छठा सेंटेंस देखिएगा, इसी का परिणाम था कि उन लोगों ने कृषि व्यवस्था की शुरुआत कर पाने पाने में सफलता हासिल की, ठीक है। तो ये छठा सेंटेंस हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, इसको बनाएंगे कैसे, देखिएगा मैं समझा देता हूँ। यहाँ आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब पहला से जो वाक्य पूछा गया उसका ऑप्शन को लिखेंगे, मान लीजिए ए आपको पता चल गया तो ए को कैंसिल करेंगे, सभी का पहले ऑप्शन लिख लेंगे, ठीक है ना। अब जो मान लीजिए कि ए यहाँ पे हो गया, अब इसमें भी ए कॉमन है तो यहाँ कैंसिल कीजिए, बाकी चारों में कंपेयर कीजिए। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस मिल गया, तो इसमें अब इन दोनों को कैंसिल कीजिए, बाकी जो बच गए चार उनको कंपेयर कीजिए। मान लीजिए तीसरा भी मिल गया, तो 1 2 3 को जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कीजिए, बाकी दो को कंपेयर कीजिए। अब चार मिल गया तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचेगा, तो लास्ट वाला सेंटेंस आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो मैं फिर से बता दूंगा इसे बोर्ड पर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि धीरे धीरे पास के व्यापारिक नगर से व्यापारिक डैश और डैश की लहरें इस इलाके की ओर बढ़ने लगी। तो यहां देखिएगा, संबंध वस्तु, सभ्यता विकास, विकास धन, सहयोग जहाज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभ्यता, व्यापारिक सभ्यता और विकास की लहरें इन इलाकों की ओर बढ़ने लगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जो डैश के बिना जीवन जीता है और डैश रहित मृत्यु मरता है, अनुशासन और सम्मान ही होगा, मुझे जहां तक लगता है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा सही आंसर क्या होगा, और सही आंसर क्या है, अनुशासन और सम्मान। ऐसा व्यक्ति जो अनुशासन के बिना जीवन जीता है वह सम्मान रहित मृत्यु मरता है। आगे देखिएगा, ये कॉमन एरर के क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन एरर के क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं, और मैंने पैसेज को जानबूझकर लास्ट में रखा है ताकि उसको हम अच्छे से देख सके। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कॉमन एरर का, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इस पे चाहिए। और अगर आप लोगों को कॉमन एरर पे अलग से वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा कॉमन एरर के लिए। यहाँ देखिएगा, हमारे आरंभिक आदिवासी जो जंगलों पहाड़ियों में रहकर में एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने वाले समूह के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें उन्हें घुमंतु जन समूह कहते हैं। कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको बताना है कहाँ पे गलत है। तो यहाँ जो घुमंतु लिखा है ना वो गलत लिखा हुआ है, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, जो मात्रा है ना कहाँ लिखा हुआ है, घुमंतु ये वाला, तो इसमें घू में ऐसे होगा, और देख सकते हैं कि कहाँ पे गलत है, तो घुमंतु ही गलत लिखा हुआ था, बाकी सब कुछ सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं परंतु एक नया वातावरण भी देना है, या फिर कोई गलती नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब यहाँ पे कहीं भी गलत नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ना वो बिल्कुल सही है।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कला संगीत व साहित्य में भी कमियां देखी जा सकती है, लेकिन उनके यश और सौंदर्य का आनंद लेना श्रेयस्कर है। तो यहाँ पे गलत मुझे बताइएगा, यहाँ पे मुझे गलत बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा, कहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुझे जहां पे लग रहा था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रेयस्कर जो लिखा ना वो गलत लिखा हुआ है, उसके जगह पे क्या होना चाहिए, श्रेयस्कर मतलब ये तलब्य सा लिखा हुआ है, यहाँ पे दंत सा आधा होना चाहिए, इसको कौन सा सा बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा होना चाहिए श्रेयस्कर, बाकी सब सही है, श्रेय होगा सक्कर होगा, ठीक है, तो यह तलब्य सा नहीं होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये शायद कॉमन एरर के अभी तीन ही क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यह मानी हुई बात है कि दुनिया भर में उपनिवेशवाद के डैश से संघर्ष संस्कृति के मोर्चे पर भी हमला हो रहा है, साहित्य और दूसरी कलाओं में एक ऐसी देशी विश्व दृष्टि के विकास की कोशिश हो रही है जो उपनिवेश की डैश विश्व दृष्टि घटना का मुकाबला कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा सही आंसर मुझे बताइएगा, समक्ष शक्तिशाली समकक्ष खिलाफ प्रतिकूल ताकतवर विरुद्ध वर्चस्व, तो मुझे लगता है ना यहाँ पे अगर विरुद्ध और वर्चस्व को बैठाइएगा ऑप्शन नंबर चार को, तो आपको सही आंसर मिलने वाला है। यह मानी हुई बात है कि दुनिया भर में उपनिवेशक के विरुद्ध संघर्ष है, किसी के विरुद्ध संघर्ष करेंगे सांस्कृतिक के मोर्चे पर भी होता रहा, साहित्य और दूसरी कलाओं में एक ऐसी देश, सीधा हम ऑप्शन के पास जाते हैं, जो उपनिवेशक की डैश विश्व उपनिवेशक की वर्चस्ववादी विश्व दृष्टि का मुकाबला कर सके, ठीक है ना, तो आप लोग को पता चल गया होगा सही आंसर, जो सुंदर है वह डैश विकास करता है और रुके नहीं सकता है, दूसरों को डैश देता है। तो यहां देखिएगा सही आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अगर हम देखें जो सुंदर है वह निरंतर विकास करता है और रुक नहीं सकता है, जो दूसरे को आनंद देता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के नौकर होते हुए सबके नौकर होते हैं, उन्हें कुछ अपना खास काम ना होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब ऑप्शन नंबर डी में गलत कहाँ पे है, तो देखते हैं की के स्थान पे क्या होगा, का प्रयोग होगा, देखिएगा यहाँ पे की लिखा होगा ना, यहाँ का लिखा होगा, तो उठाने की फुर्सत नहीं होती है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, का नहीं होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन भी कॉमन एरर का है, तो जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन एक साथ आपको दिए होंगे, ध्यान से आपको कॉमन एरर को ही समझना है, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है, अगर टाइम आपने सही से यूज नहीं किया तो आपका नुकसान हो सकता है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, संवेदनात्मक उद्देश्य विद्युत की वह धारा है जो अंतर व्यक्तित्व के से प्रसूर होकर जीवन विधान करती है अभिव्यक्ति विधान करती है त्रुटिहीन, तो सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुझे भी लग रहा था कि ऑप्शन नंबर बी होगा, वह धारा है जो अंतर व्यक्ति से प्रसूत होकर, तो यहाँ पे बी में क्या होगा, स्पेलिंग एरर है। अब यहाँ पे देखिएगा अंतर व्यक्ति जो लिखा है ना वो गलत है, वो क्या होगा अंत, ये चिन्ह लगेगा व्यक्तित्व, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, वो लिख लीजिएगा आपका सही आंसर आ जाएगा, तो स्पेलिंग में गलत है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिए, अब हमें देखना है फ्रेज, अब हमें देखना आरसी भी आपसे पूछा जाएगा, तो अगर मैं छोटा कर दूं ना तो शायद आप लोगों को दिखेगा, तो पहले मैं इस आरसी को बोल देता हूं, उसके बाद मुझे आप लोग आंसर बताइएगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा। पहला देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजों का वर्चस्व मतलब उनका जो शासन था पहले सिर्फ उन्हीं देशों में था जो उनके उपनिवेश थे, फ्रेंच ही सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों की भाषा थी, ठीक है, अंग्रेजों के आने के बाद इंग्लिश हो गया था, कला साहित्य और विज्ञान में फ्रेंच तथा जर्मन भाषा ही आती थी, यह कोई पुरानी बात नहीं, दूसरे विश्व तक दुनिया की यही स्थिति रही, जिन पांच देशों के उपनिवेश दुनिया भर में थे उन्हीं की
उन्हीं की भाषा है, वह प्रशासनिक स्तर पर और बाद में उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रयोग होने लगी। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल और कहीं कहीं डच लोग मुख्य निवेशक रहे, लेकिन उपनिवेशों में भी साधारण जन और उनकी शिक्षा की भाषाएं उनकी अपनी भाषाएं थी। इसलिए गुलामी में रहकर भी लोक सांस्कृतिक, लोक भाषाएं, लोक संगीत, धर्म परंपराएं सबसे अधिक वहां का लोक मानस सुरक्षित रहा। उपनिवेशक की भाषा संस्कृति समिति क्षेत्रों को ही प्रभावित करती थी। व्यापक तौर पर लोग अपना देशीय भरपूर जीवन जीते थे। वह भरपूर जीने में भरपेट जीना शायद शामिल नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का आधिपत्य बढ़ा, उसका राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्यवाद बढ़ा, पर उसके समानांतर रूस चीन तथा अन्य समाजवादियों के उदय ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को नियंत्रण में रखा। देखिएगा, सारे विश्व युद्ध में अमेरिकी शोषण राजनीतिक और आर्थिक स्तरों पर सोवियत संघ के विघटन के बाद तेज हुआ, लेकिन इसकी प्रक्रिया भी जल्दी शुरू हो गई। कुछ समय बाद ही वृहत स्तर पर देशों और समाज को अपनी पहचान खतरे में नजर आने लगी, उनकी स्मृति वापस आने लगी, उन्हें जैसे रेत में दबा हुआ आईना मिल गया हो। अपनी पहचान की तरफ वापसी में भाषा की अहम भूमिका है। लोग अपनी उपनिवेशकों की भाषाओं का जुआ कंधे से उतारकर फेंकने में लगे हुए हैं। उन विदेशी भाषाओं की जगह वे अमेरिकी अंग्रेजी को भी अपना रहे थे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अपनी भाषाओं ही को समृद्ध करने का एक अभियान जैसा है, ठीक है ना, अपनी भाषाओं को ही समृद्ध करने का एक अभियान जैसा है। यह मात्र शोषण के विरुद्ध प्रक्रिया नहीं है। जैसे जैसे देशों की आजादी वयस्क होती जा रही है, अपने कुछ खास होने के एहसास की सिद्धता भी बढ़ रही है। आगे देखिएगा, लैटिन अमेरिका जो एक सदी से भी ज्यादा पहले आजाद हो चुका था, वहां स्पेनिश भाषा ही हर स्तर पर बोली जाती है। प्रशासन, शिक्षा, शोध, साहित्य और डिप्लोमेटिक हर स्तर पर है। केवल ब्राजील ही पुर्तगाली भाषा हर स्थल पर प्रयोग करता है। बाकी देश अर्जेंटीना, पेरू, बोलविया, कोलंबिया, चिली, क्यूबा, इक्वाडोर सभी संपूर्ण रूप से अपनी भाषा और संस्कृति में पूरी तरह डूबे हुए रचे बसे हैं। इनके सांस्कृतिक राग रंग मार्डी ग्रांग नृत्य मुद्राएं और इनका लैटिन अमेरिकी साहित्य जो स्पेन भाषा में ही है, सबके होशो हवास गुम किए हुए हैं। इनकी भाषा और मौलिकता ही इनकी शक्ति है। ये सिर्फ तमाशे की चीज नहीं बने हुए हैं, अपनी अलग पहचान से इन्होंने सारी दुनिया का तमाशा बीन बनाया हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से देखिएगा। इस्लामिक देश चाहे किसी भी उपनिवेशक में रहे हो, अमेरिकी साम्राज्यवाद से तंग आकर अपनी ही भाषा और आबाद की ओर मुड़ कर देख रहे हैं। मिस्र जैसे देश पाश्चात्य रंग से रंगे जा चुके हैं, लेकिन वे भी अब उस मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। बाकी देश बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, सूडान, सीरिया, मोरक्को, ओमान, कतार, सऊदी अरब, यमन, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक सभी अरबी या फारसी में अपनी पहचान बनाए हुए है। उपनिवेशक कारणों से अंग्रेजी इन देशों में कुछ सीमा तक प्रचलित है, फिर भी इनकी सांस्कृतिक और भाषिक पहचान ठेठ है। भीतर भी और बाहर भी एक लंबे शोषण के बाद ये देश सबसे अधिक खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इनका संघर्ष सिर्फ धर्म का संघर्ष कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इनकी मरुस्थली संपदा के लुटेरे ने ही इनके धार्मिक तत्व को झिकझोरा है। इनके कबीलाई रोमांचकारी
रोमांचकारी रीति रिवाज, संगीत, नृत्य, भाषाओं की विलुप्तता और बंजारी संस्कृति ने सर्दियों से आधे से आधी अधिक संसार को वजूद के जंगली अस्त्रों पर ही हाफ रहा था। आज यूरोप, लैटिन अमेरिका, दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, रूस अपनी मौलिकता के शिखर पर है। उनकी भाषाएं और संस्कृति अधिक आर्थिक और मानसिक पूंजी का आधार है, उनकी शिक्षा का माध्यम भी है। चलिए और ध्यान दीजिएगा, काफी लोग कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन के आंसर मेरे गलत होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं काफी कुछ देख के आप लोग को आंसर बताता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी आंसर मैं आप लोग को बताता हूँ वो सही बताता हूँ, कहीं भी गलत नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया के गुलाम देशों का गुलामी में रहकर भी लोग साहित्य, धर्म आदि के सुरक्षित रहने का कारण था, क्या था? तो आप लोग पैसेज देखिएगा, पैसेज अगर आपने सही से देखा होगा तो आप लोग को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा। तो आप लोग कुछ देर सोचिए और मुझे सही आंसर बताइए। देखिएगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय भाषा। देखिएगा पूरे सेंटेंस, पूरे पैसेज में स्थानीय भाषा के बारे में यहां बात हो रही थी, तो स्थानीय भाषा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाह्य भाषाओं में प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रमुख कारण क्या था? शोषण से मुक्त होना, औपनिवेशिक देश में से स्वतंत्र होना, पहचान का खतरा, भाषा की समस्या, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहचान का खतरा। आगे देखिएगा, दूसरे विश्व तक दुनिया में भाषाई स्तर पर किस भाषा का प्रभाव था, मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव किस भाषा का था? तो यहां देखिएगा, एक तो अंग्रेजी के बारे में बात हो रहा है, एक फ्रेंच के बारे में बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन और टू इनका ज्यादा ज्यादा फैल चुका था ये दोनों भाषा, ऑप्शन नंबर वन और टू। मतलब नहीं, एक मिनट है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा मैं फिर से देख लेता हूँ, सही आंसर मैंने गलत बता दिया, फ्रेंच हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच। दूसरे विषय तक जो फ्रेंच भाषा था ये सबसे ज्यादा यूज में आता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, इस्लामिक देशों का संघर्ष धर्म के अलावा और किसके लिए है? तो प्राकृतिक के लिए, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक खनिज पदार्थ, लोक सांस्कृतिक और लोक भाषा, उसके बाद पश्चात्य संस्कृति, स्थानीय अस्यान्यता की पहचान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक खनिज, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इस्लामिक देशों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना, वहां पे प्राकृतिक खनिज काफी ज्यादा है। आगे देखिएगा, लैटिन अमेरिका देशों का दुनिया के सामने विशिष्ट पहचान, विशिष्ट होने का प्रमुख कारण क्या था? विशिष्ट होने का प्रमुख कारण क्या था? बहुत पहले स्वतंत्र होना, ठीक है, व्यवस्थित समाज और शिक्षा व्यवस्था, विकसित राष्ट्र होना, भारत यानी भाषा और मौलिकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा और मौलिकता। लैटिन अमेरिका देशों का दुनिया के सामने विशिष्ट होने का प्रमुख कारण क्या था? भाषा और मौलिकता। ये आप लोग को पता चल चुका होगा क्यों सही है। साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है आप लोग से पूछा गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियंत्रण स्थापित करना। साम्राज्यवाद का जो अर्थ होता है नियंत्रण स्थापित करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, उदय का विलोम क्या होता है? तो उदय का विलोम हो जाएगा, उदय का विलोम हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, उदय का विलोम हो जाएगा अस्त होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदय का विलोम अस्त हो जाएगा। ठेठ का मतलब क्या होता है सभी को पता है, आप लोग कमेंट करके मुझे ऐसे भी बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठेठ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, निर्विकार। ठेठ का अर्थ होता है जो बिल्कुल मूल रूप से निर्विकार, निर्विकार हो, अतः विकल्प सी सही होना चाहिए। ठेठ का अर्थ होता है मजबूत, टेढ़ा। टेढ़ा का अर्थ होता है जो सीधा ना हो। गवार का अर्थ होता है, का अर्थ होता है गांव का रहने वाला, देहाती, अनारी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्विकार। आगे देखिएगा, आगे लगता है शायद सभी क्वेश्चन शायद खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो अभी हमने सेट 2 हिंदी का सॉल्व करवा दिया आप लोग को, अब हमें सॉल्व करवाना है आप लोग को मैथ्स
रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों पे भी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज हो सकता है कि मैथ्स और रीजनिंग पे वीडियो आ जाए और इंग्लिश को, इंग्लिश पर वीडियो आज रात तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि कल भी हम पांचों सब्जेक्ट को कवर करें, मतलब पांचों टॉपिक पर वीडियो लाने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा।